मान्यवर यह है चेक, ये आपकी जीती हुई रकम हम यहां रख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप खेल रहे हैं हमको लगता है कि आगे बहुत से चेक साइन करके देने पड़ेंगे आपको। 3,20,000 रुपए आप मुझे दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन इसमें 10 रुपए कम है सर। 10 रुपए कम है? सर हम पूछेंगे या आप बताएंगे? नहीं नहीं आप पूछ लीजिए, क्योंकि आपसे मैं माफी चाहूंगा, एक हिसाब चुकाना है 1977 का। हम आपको कुछ रुपया देने को है क्या? ना वो तो आप देखिएगा आप मुझे क्या देंगे, वो आज तक मेरे जेहन में वैसे ही बैठा हुआ, वो 10 रुपए तो अभी भी आपके ऊपर उधारी चढ़े हुए हैं मेरे, वो चुकाने हैं आपको, मात्र 10 रुपए नहीं दिए आपको। आपने नहीं दिए वो उधारी 1977 की। खेल खत्म होने दीजिए, हम बाहर जाकर के आपको 1977 दे देंगे। हमको ये बताइए कि क्या है इसके पीछे कथा। सर देखिए 1977 की बात है सर, जब आपकी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर रिलीज हुई थी जी, मैं उस समय पहली बार कॉलेज में पढ़ने के लिए आया, घर की अवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत कम पैसों के साथ में मैं पूरा महीना गुजारा करता था पढ़ने के लिए। तो 1977 में क्या हुआ सर, मैं 10 रुपए पॉकेट में लेके आपकी पिक्चर देखने गया, पहला दिन सेकंड शो 6 बजे से 9 बजे वाला। उस 10 रुपए से सर 1.60 रुपए की टिकट खरीदनी थी, 25 पैसे साइकिल स्टैंड का किराया था, 50 पैसे या 60 पैसे का मुझको चाय और एक समोसा खाना था, और बचे हुए पैसों से रात में खाना खा के अपने कमरे पे लौटना था। ये उस 10 रुपए की कहानी थी। मैं जैसे ही लाइन में लगा और लाइन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, पब्लिक बहुत भीड़ थी, पहली रिलीज थी वो, उस समय खूब भीड़ हुआ करती थी, पुलिस भी खड़ी हुई थी। जैसे ही मैं विंडो पे टिकट लेने के लिए पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि मेरे जेब से किसी ने पॉकेट मार दिया है। मार दिया है सर, मैं कुछ सोच पाता, इतने समय मेरे ऊपर भीड़ उमड़ी, हाय तौबा मची, पुलिस ने डंडे चलाए और मैं गिरा, और गिरा तो यहां पे एक निशान भी उस समय लगा जो मुझे आज तक याद है सर। उस दिन मैंने प्रण कर लिया कि मैं इस पिक्चर को नहीं देखूंगा, अगर इस पिक्चर को किसी दिन देखना पड़ा तो जब तक बच्चन साहब के सामने अपनी ये दिल की तकलीफ ना बता दूं उस समय से पहले ये पिक्चर नहीं देखूंगा। और आज तक मैंने वो पिक्चर नहीं देखी है सर, मुकद्दर का सिकंदर मैंने नहीं देखी, और अगर मेरी जिद है आपसे, अगर मुझे कभी देखने का मौका मिला तो आप ही के साथ बैठ के देखूंगा उसे। सर प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और अवसर मिला तो कभी आपके साथ बैठ करके मुकद्दर का सिकंदर देखेंगे अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भावुक कर दिया आपने हमको जी। वो बहुत, इसलिए वो 10 रुपए अभी भी आपके पास हैं मेरे उधारी। जी जी मैं उसको चुकाऊंगा, पूरी तरह चुकाऊंगा आपको। ऑलराइट डीसी जी।